अरे यहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ खेरिया में, बहुत पहले की बात है। तो साहब एक बहुत बड़े कवि थे जो तालियां बजाने का आह्वान करते थे, बच्चे बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे। बोले भाई बच्चों से कह दो सावधान हो जाए। हमसे नहीं कहा गया, हम खड़े हुए माइक पे बोले कि अगर हमारी कविता में दम है तो ये बच्चे अभ्यास शांत हो जाएंगे, आपके मुंह में खान के नाश्ता वहीं रुक जाएगा। ये हमारी कविता में कदम है, कविता समाज समाज का दर्पण है साहित्य, और उसको देख करके हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं। उस दर्पण में ही जब धब्बा है तो हम अपनी विद्रूपता को नहीं देख सकते। आप देखें, अभी पास भाषा की बात चल रही थी, अंग्रेजी है मैडम उनकी, उर्दू इनकी सहजादी। सुनिए भाई साहब, उर्दू अंग्रेजी है मैडम उनकी, उर्दू इनकी सहजादी, और हिंदी राजकुमारी अपनी संस्कृत सबकी परदादी। नवरात्रि में और आज पंचमी तिथि, और आज हमारे आदरणीय गोविंद माधव जी विशेष रूप से बता सकते हैं कि आज शारदा आवाहन का पर्व है, और एक सारस्वत आयोजन जहां सिर्फ मैडम सहगादी और राजकुमारी की बात हो रही है, परदादी की बात नहीं है। तो मैं परदादी से ही बात शुरू करता हूं। आदरणीय सुने, ये आप कहां कविता पढ़ रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य है कि आप रायबरेली से यहां आए, लेकिन आपका सौभाग्य है कि आप कहां कविता पढ़ रहे हैं। देखें, जय तू जय तस्माकं धरणी, जय तिष्ठिका पूर्या धरणी, गंगा यमुना नद्योर मध्य श्रेष्ठा चेय मुर्मदा धरणी, जय तू जय तस्माकं धरणी, धारम पारम करक पचारम इतिनामेषु विभक्ता धरणी, जय तू जय तस्माकं धरणी। एक रचनाकार के परिवार में आप देख रहे हैं कि यह संस्कार कौन से बोल रहे हैं, वही संस्कार इस देवेश शास्त्री में भी बोल रहे हैं, क्योंकि कविता लोरी की तरह सुनाई गई है। अगर गर्भाधान संस्कार से लेकर के आज तक के जितने संस्कार है सब कविता में हुए। ये वो परिवार है और हम इस परिवार का हिस्सा हैं। अगर इनकी रगों में रूपेश जी हैं तो मेरी रगों में भी कोई एक साहित्यकार का ही तब तो है। देखें कि गंगो देव शिशु पंगु कवीनाम, अवनी गंग वह गंग जिन्होंने सम्राट अकबर की महानता को सिद्ध किया था, जिनको हर की प्रतीत नहीं सो करे मेरे आस अकबर की, और जब अकबर ने पागल हाथी के सामने उसे गंग के